थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की डंकी मूवी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे महेश बाबू की गुंटुम कारण मूवी के बारे में। तो आइए बताते हैं कि ये दोनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी के बारे में। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी का नशा धीरे धीरे दर्शकों के सिर से उतरने लगा है। राजकुमार हिरानी के निर्देश में बनी इस फिल्म ने जहाँ 400 करोड़ से अधिक की कमाई की है, वही अब इसकी कमाई थमने सी लगी है। ऐसा नहीं कि ये हाल केवल डंकी का हो रहा है, प्रभास की फिल्म सलार की भी हालत खस्ता है और इसी फिल्म की कमाई का हाल भी खस्ता है और थिएटरों में औंधे मुंह पड़ी दिख रही है। दरअसल इन फिल्मों की कमाई के रास्ते इस वक्त मेरी क्रिसमस से लेकर हनुमान गुंटुम कारम कैप्टन मिलर जैसे फिल्म आ खड़ी हुई है। शाहरुख खान की और जवान पठान के बाद पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई डंकी ने कुल मिलाकर भले शानदार कमाई की हो, लेकिन इस फिल्म से एक्टर अपने ही रिकॉर्ड को पछाड़ने में पीछे रह गए। शाहरुख खान की इस फिल्म ने कुल 27 दिनों में 225.06 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, वही इसने चौथे मंगलवार यानी कि 27वें दिन करीब 29 लाख रुपए की कमाई की है। वही डंकी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 444 करोड़ के करीब की कमाई कर डाली है। इस फिल्म ने 26 दिनों में दुनिया भर से 443.50 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि केवल विदेशों में इसने अब तक 174 करोड़ रुपए की कमाई की है। इंडिया में ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो इसने 269.30 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब वही आइए बात कर लेते हैं गुमटुम कारण मूवी के बारे में। आपको बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू की गुमटुम कारण फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया है और ये फिल्म अभी भी करती जा रही है दिन पे दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई। तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म गुंटुम कारम के 5 दिनों के टोटल इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानने वाले हैं कि ये फिल्म आज अपने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन कर रही है। तो सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुमटुम कारम को इसी हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और त्रिविक्रम श्रीनिवास के डायरेक्शन में बनी गुमटुम कारम जिसमें फिल्म में महेश बाबू पूरी तरह से मासी अवतार में नजर आ रहे हैं। बताना चाहूंगा इस फिल्म को सिनेमा घरों में आज हो चुके हैं 6 दिन। इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यू मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली ऑडियंस को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है, जिसके चलते फिल्म ने वीकेंड के बाद वीकेंडेज में भी अच्छी खासी कमाई की, जो रफ्तार है उसके जारी रखा है। जी हाँ, हैरान करने वाली बात यह है कि इस वक्त गुमटुम कारम के सामने अनुमान फिल्म ज्यादा स्क्रीन दिन पे दिन लेती जा रही है, लेकिन फिर भी महेश बाबू की गुमटुम कारम के जो कलेक्शन है वो काफी बढ़िया आ रहे हैं। मतलब कि जितनी उम्मीद थी ना उससे ज्यादा का कलेक्शन ये फिल्म मैं कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म को सिंगल लैंग्वेज यानी कि तेलुगु में भी रिलीज किया और इसके बावजूद फिल्म हिंदी वर्जन शायद बाद में OTT पर रिलीज होगा। बात की जाए यहाँ पर गुमटुम कारम के 6 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो गुमटुम कारम ने 4 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया था। जी हाँ, फिल्म का 4 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 111 करोड़ 46 लाख रुपए का रहा था। वही फिल्म ने 5वें दिन इंडिया कलेक्शन 9 करोड़ 84 लाख रुपए का किया। बात करें इस फिल्म की आज यानी कि 6 दिन के कलेक्शन के बारे में, तो गुमटुम कारम की आज जो ऑक्यूपेंसी है वो कल के मुकाबले 10% ड्रॉप हो चुकी है। यानी कि गुमटुम कारम फिल्म अपने 6 दिन इंडिया नेट कलेक्शन 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कर रही है और इसी के साथ महेश बाबू को गुमटुम कारम का 6 दिनों का टोटल कलेक्शन इंडिया नेट हो चुका है 129 करोड़ 80 लाख रुपए, तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 154 करोड़ 72 लाख रुपए। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 47 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई की है और इसी के साथ गुमटुम कारम का 6 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 202 करोड़ 40 लाख रुपए का हो चुका है। जी हाँ, महेश बाबू की दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है, तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। अब देखते हैं कि फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जाता है। वैसे आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।